की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वयं सहायता समूहों क्षय रोग ग्रसित बच्चों को गोद लिए प्रतिनिधियों एवं किसान उत्पादक संगठन व प्रगतिशील किसानों की बैठक। कहा 2025 तक देश को बनाना है टीवी मुक्त देश। प्रदेश के विकास के लिए आगे आए महिलाएं। कुपोषण और बाल विवाह पर लगाए रोक, प्रगतिशील बने किसान। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भव्य गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया स्वागत। महामहिम राज्यपाल ने ली सलामी। एमएमटीयू के 5वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 1191 विद्यार्थियों को उपाधियों से नवाजा। उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को दी बधाई। कहा देश और समाज के लिए अपने ज्ञान का करे प्रयोग, देश को टेक्नोलॉजी के पथ पर करे अग्रसर, डिजिटल इंडिया में दे अपना योगदान। किसान उत्पादकता संगठनों के द्वारा एनएक्सी भवन के हॉल में लगाए गए प्रदर्शनी का महामहिम राज्यपाल ने किया अवलोकन। प्रदर्शनी में लगाए गए कृषि उत्पादों की ली जानकारी। कहा जैविक खेती से उत्पादन बढ़ाकर किसान बन सकते हैं आत्मनिर्भर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल में भव्यता के साथ हुआ संपन्न। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 16 छात्रों को गोल्ड मेडल और 1191 छात्रों को प्रदान की उपाधि। विद्यार्थियों के खिल उठे चेहरे। माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज ने लगाया 3 दिवसीय निःशुल्क चाय का स्टॉल। परिवहन निगम के क्षेत्र प्रबंधक ने किया उद्घाटन। कहा चाय स्टॉल से माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत, मंगलमय होगी यात्रा। गोरखपुर में मंगलवार को मिले मात्र 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,435। अब तक 361 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 81 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जनपद के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह को किन्नर समाज के महामंडलेश्वर ने किया सम्मानित। की उनके उज्जवल भविष्य की कामना। कहा नीतीश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया देश का नाम रोशन। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंग्लिश डिपार्टमेंट में आयोजित हुआ फ्रेशर पार्टी। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का किया स्वागत। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मंत्रमुग्ध हुए स्टूडेंट।